जय भी नमो बुद्धाय। जैसा कि मैंने आप लोगों से कुछ हफ्ते पहले कहा था कि हम लोग कुछ दिनों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं जहां से हमारे बच्चे जो नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसे हालातों में हमारे बच्चों को, युवाओं को नौकरियां उनकी खत्म हो रही है, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेसमैन उनको तैयार किया जाए। पूरे देश भर में ही नहीं, विश्व में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर क्या क्या किस तरह की सारी मार्ग वहां पर खुले हैं, वो एक प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, ऐसा मैंने आप लोगों से बहुत पहले कहा था। और उसी संदर्भ में हम लोगों ने अंबेडकर इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज प्राइवेट लिमिटेड ये प्लेटफॉर्म भी हम लोगों ने तैयार किया है, और उसी के माध्यम से आज हम विश्व के बौद्धों के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इनसे मिलने आए हैं। दरअसल सर आज लॉकडाउन की वजह से हमको इंडिया में मिले, वरना इंडिया में वो हमको मिलते नहीं। मैं जब दुबई में गया था, यूएई में गया था, तब वहां के लोगों ने मुझे अपने समुदाय से एक बहुत बड़े व्यक्ति का उन्होंने परिचय करवाया था। उस समय वो इंडिया में आए थे, इनका नाम है बीडी गवई सर। गवई सर ये आबू धाबी में इनके रिफाइनरीज है, ऑयल के रिफाइनरीज है, और शेड्यूल कास्ट में से, बौद्धों में से ये विश्व का एक बहुत बड़ा नाम है। आज मैं उनके साथ आया हूं और जो विचार हम लेकर चल रहे हैं वही विचार कई सालों से सर लेकर चल रहे हैं कि हमारे बच्चे भी इस प्लेटफॉर्म पर आए, पूरे वर्ल्ड में हमारे बच्चे कंपीट करें, एग्रीकल्चर से लेकर, ऑयल इंडस्ट्री से लेकर, टेक्सटाइल हो या इंजीनियरिंग सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर में हमारे बच्चे यहां पर आकर कंपीट करें। अभी लॉकडाउन में हमने एक दृश्य देखा था, बिहार में कुछ लोगों को जब क्वारंटाइन किया गया था तब हमारे लोगों के हाथों से वो खाना तक नहीं ले रहे थे, खाना स्वीकार नहीं कर रहे थे। सोचो, मरने के हालत में अगर कोई इंसान है तो वो इंसान खाना नहीं स्वीकार रहा, तो क्या वो ये जाति मानसिकता हमारे प्रोडक्ट स्वीकारेंगे, क्या ये जाति मानसिकता हमारी सर्विसेज, हमारी सेवाएं स्वीकारेंगे। और इसलिए हम लोगों को इंडिया से भी ज्यादा एक वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, उसके ऊपर हमको कंपीट करना चाहिए। लेकिन ये कंपीट करते समय हम लोगों के पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसी संदर्भ में सर काम कर रहे हैं। हमारे कई सारे बच्चों को, और मैं कहूंगा कि हमारे ही नहीं, IITians को सर ट्रेनिंग दे रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में सर के लेक्चर्स हो रहे हैं, और सर हमारे बच्चों को, भारत के बच्चों को एक एंटरप्रेन्योरशिप के ओर बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज सर से हम उसी संदर्भ में मिलने के लिए आए हैं। अगले कुछ दिनों में हम लोग ये सर का एक डिटेल कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे और वहां पर आप लोगों से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में आइए, और कौन सी व्यक्ति कौन से फील्ड में सुटेबल है, वो फील्ड में सारे फील्ड्स, चाहे वो चाय से लेकर, कॉफी से लेकर, कपड़ों से लेकर, ऑयल से लेकर, सभी फील्ड्स में सर का नॉलेज है। किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, किस तरह से अप्रूवल लाने हैं, किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है, वो सारा प्रोग्राम सर ने डिजाइन करके रखा हुआ है। तो मैं सर से विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे बच्चों को गाइड कीजिए, और हमारे बच्चे, हमारा जो युवा वर्ग है, वो किस तरह इस प्लेटफॉर्म पर आकर इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके, हमारी एक अच्छी सोसाइटी वो तैयार कर सके। क्योंकि कई सालों से हमारे बच्चे 10वीं पास करने के बाद 12वीं करते हैं, 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर 15 साल 17 साल पढ़ाई करने के बाद वो किसी और के नौकर बनने की तैयारी करता रहता है। इसी 15 या 17 साल को अगर वो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करता है, या 17 महीने के लिए भी इन्वेस्ट करता है, तो वो मालिक बन सकता है अगर वो ठीक तरह से इसकी पढ़ाई करे तो। तो वही पढ़ाई क्या होनी चाहिए, किस दिशा में हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, अगर हमको जाना चर्चगेट के लिए है, और अगर हम विरार की ट्रेन में बैठे तो हम चर्चगेट नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा वही हो रहा है, हमको जो करना है और जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं,
वो हम लोगों को नौकर बनाने के लिए ये इस्तेमाल में लाया जा रहा है, किस तरह से हम मालिक बन सकते हैं वो सारी जानकारी हम गवई जी से लेंगे। आज लॉकडाउन की वजह से सर हमको इंडिया में मिले, मैंने जस्ट ऐसे ही फोन किया था कि सर इंडिया में है या कहाँ बाहर है जानने के लिए, और सर ने मुझे आज यहाँ पर अपॉइंटमेंट दी। और आज 13 अगस्त है, आज ही के दिन हम लोगों को रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुआ अंबेडकर AITA से, सर AIT और सर सर भी उसी इंपैक्ट इंटर एक्सपर्ट्स के नाम से सर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और ये AICTE से अप्रूव्ड है। जब आप लोग ये कोर्सेज ज्वाइन करोगे तब AICTE के और आबू धाबी के भी आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल के वो सर्टिफाइड आप लोग वो प्रोग्राम कर रहे हो, ये सर्टिफिकेट भी आप लोगों को इश्यू होगा। तो सर हमें थोड़ी ये इंट्रोडक्शन में आप ये जानकारी दीजिए कि किस तरह से हमारे बच्चे ये लाभ ले सकते हैं। थैंक यू राजरतन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विजिट टू आवर ऑफिस हियर टुडे। जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो नई पीढ़ी है या अनएम्प्लॉयड है, उनको हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनको हमारा जो नॉलेज है, आज तक का बिजनेस का जो नॉलेज है, उनको ट्रांसफॉर्म करें। ये मेरी विजन है। उसके लिए हमने क्या किया है कि ऑलरेडी हम लोग ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हर इंडस्ट्री के। तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग ने अभी 3 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। एक है ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम फोकसिंग इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। उसमें क्या होता है कि जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या एमटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, उनको हम कंप्लीट कंप्लीट कंसेप्ट जो कॉलेज में सिखाया जाता है वो कंप्लीट उनसे प्रैक्टिकली हम लोग उनसे उनसे ये इंटर्नशिप के प्रोग्राम के जरिए उनको पूरा नॉलेज देते हैं उस इंडस्ट्री का, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का। उसमें खाली बुक नॉलेज नहीं, जो हमारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो दे रहे हैं, प्लस उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप का भी ही लेसन्स ले रहे हैं, जिससे उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिजनेस क्या करना चाहिए, इसकी हम जानकारी दे रहे हैं। वो हो गया ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर इंजीनियरिंग एंड MBA। दूसरा प्रोग्राम हम लोग ने लॉन्च किया है EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं और अनएम्प्लॉयड है, वुमेन्स है, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का ज्ञान हो। तो हम लोग ने सब इंडस्ट्री के लोग ने मिलकर एक अच्छा डिजाइन तैयार किया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। हम लोग उस प्रोग्राम में उनको बिजनेस कैसा करना चाहिए, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के लिए क्या क्या चीज क्या क्या आवश्यकता है, जैसे कि पहले बैंकिंग चाहिए, अच्छा लोकेशन चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट डिसाइड करना चाहिए, इसकी पूरी नॉलेज हम देंगे। दूसरा, उसमें हम एक कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, देन देयर आर स्टार्टअप इंडिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स है। तो हम हर इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसके बारे में ये EDP प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम ये मंथ एंड में शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए ऑलरेडी। और हमारी जो इंटर एक्सपर्ट ग्रुप है उसमें सब एक्सपर्ट लोग हैं, हर एरिया के एक्सपर्ट है, तो वो आपको आकर उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप जरूर इस प्रोग्राम में ज्वाइन करिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। बिजनेसमैन कैसा बनना है, बिजनेसमैन बनने के बाद वो चलाना कैसा है, चलाने के बाद वो पूरा उसको उस बिजनेस को आगे कैसा लेके जाना है, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम आपको देना चाहते हैं। तो आप इसका जरूर लाभ लीजिए। आप खाली ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हम आपका हम हैंड होल्डिंग करेंगे। हैंड होल्डिंग क्या है कि आप जो सीखें वो हम आपको रियलिटी में, जो समझो आप
एक पर्टिकुलर बिजनेस करना चाहते हो तो हम उस बिजनेस की कंप्लीट बिजनेस प्लान कैसा बनाना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसा करना है, सिलेक्शन कैसा करना है बिजनेस का, उसके लिए लोन कैसा प्रोसेस करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, मार्केटिंग क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, सेल्स क्या होता है, और ब्रांडिंग क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी ये हम 15 दिन के सेशन में हम लेंगे। और ये खाली ट्रेनिंग देके छोड़ने वाला ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा, ये पूरा हैंड होल्डिंग सेशन है, तो आप जरूर इसका लाभ लीजिए। मैं राजरतन जी से रेगुलर कांटेक्ट में रहूँगा और हम लोग एक आपके लिए खास एक वेबिनार ऑनलाइन सेशन हम अरेंज करेंगे, तो आप मैक्सिमम लोग आकर उस वेबिनार में आइए। हम ये नीति जो एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल डेवलपमेंट के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे, सो वो सुनने के बाद आप डिसाइड करो कि हम ये प्रोग्राम में जाना है और आगे हमें अच्छा बिजनेसमैन बनना है। कोई भी बिजनेस शुरू में छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, ओके। तो एक दिन में कोई भी आदमी बिलियनेयर नहीं बनता है, उसके लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है, उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, पूरा माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। ये हम आपको इस प्रोग्राम में देंगे, आपका माइंड सेट बिजनेस के लिए कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बढ़ना चाहिए, ओके। ये पूरे स्किल हम आपको देंगे 15 दिन के कोर्स में नहीं, आगे भी हम रेगुलरली आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे और आपका हैंड होल्डिंग करेंगे, ओके। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आईटा यानी अंबेडकर इंटरनेशनल ट्रेडिंग एक्टिविटीज और इंडन एक्सपर्ट्स, ये दोनों साथ में मिलकर ज्यादा से ज्यादा हमारे जो बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट के हो, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हो, अंबेडकराइट बाबा साहब को मानने वाले बच्चों को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ रहे हैं और उनको सिर्फ आकर यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे लाकर छोड़ेंगे नहीं, तो उनको पूरा ट्रेन करेंगे बिजनेस क्या होता है, वहां से बेसिक स्टेप से लेकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, बैंक से लोन कैसे अप्रूव करवा के लाना है, स्टार्टअप इंडिया से लोन कैसे लाना है, ये जो सारे स्कीम्स बनी हुई है इसका लाभ कैसे हमारे बच्चों तक लेकर जाना है, ये सारा इंटर एक्सपर्ट्स की टीम इसके ऊपर काम करती है। और सिर्फ यहाँ पर काम नहीं करती, आप लोगों को शायद पता ना हो, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में 4% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए है। हर एक बड़े कंपनी को शेड्यूल कास्ट ने बनाया हुआ प्रोडक्ट में से उनको लेना कंपलसरी है, लेकिन हमारा कोई बंदा वहां पर जा नहीं रहा। हम उस 4% रिजर्वेशन को हमेशा अनदेखा कर रहे हैं। इस 4% रिजर्वेशन को हम लोगों को यूटिलाइज करना है, पूरे देश के जीडीपी में हम लोगों को वहां पर NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।